Hello students, today we are going to start our next lesson, lesson number 8. A house is not a home. तो बेटा एक स्टोरी है एक बच्चे की जो नए स्कूल में जाता है. तो नए स्कूल में जाने के बाद उसके साथ बहुत सी मिस हैपनिंग होने लगती हैं, तो बड़ा डिसपॉइंटेड हो जाता है वो. अब इस स्टोरी को पढ़ के पता करेंगे कि कौन सी मिस हैपनिंग उसके साथ होती है और उस मिस हैपनिंग में उसका साथ कौन कौन देता है. और शुरू करें इस लेसन को. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट अ बैकवर्ड. तो मेरा जो हाई स्कूल का जो पहला साल था, अ बैकवर्ड, बहुत बुरा था. आफ्टर लीविंग जूनियर हाई at the head of my class with all the seniority the upper grade level could afford me. मैंने अपना जूनियर हाई स्कूल छोड़ा था, तो जितना मेरे से हो सका हाई क्लासेस के में ग्रेड लेने का मैंने वैसी मेहनत की. It felt strange starting over as a freshman. तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था शुरू में, क्योंकि मैं जहाँ पे एक नया था. The school was twice as big as my old school. ये जो नया स्कूल था मेरे पुराने स्कूल से दुगना बड़ा था. And to make matters worse, तो इस ये चीज़ें और भी बुरी थी मेरे लिए. My closest friend were sent to a different हाई स्कूल, क्योंकि जो मेरे दोस्त थे वो दूसरे हाई स्कूल में पढ़ने चले गए थे. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, तो मैं बड़ा अकेला महसूस करता था. आई मिस माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम. मैं अपने स्कूल को बड़ा मिस पुराने स्कूल और पुराने टीचर्स को बड़ा मिस करता था. जब भी समय लगता मैं वहाँ जाता. दे वुड एनकरेज मी to get involved in the school activity so that I could meet new people. तो मुझे वो हमेशा हौसला देते कि स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करो ताकि तुम्हें नए लोगों से मिलने का मौका मिले. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old school. उन्होंने मुझे बोला कि तुम धीरे धीरे सब एडजस्ट कर लोगे और तुम्हें अपना नया स्कूल वैसे ही प्यारा लगने लगेगा जैसे तुम्हें अपना पुराना स्कूल लगता है. दे मेड मी प्रोमिस दैट वैन दैट हैपन्ड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो उन्होंने मुझे वादा किया कि जब भी तुम चाहो यहाँ स्कूल में आके समय समय पर आके हमें मिल सकते. आई अंडरस्टूड दी साइकोलॉजी इन वट देवर सेंग. उनकी क्या साइकोलॉजी थी, क्या मानसिकता थी, मैं वो समझ सकता था. बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनथलेस. पर मुझे कुछ चैन मिला इसमें से. वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, एक संडे I had started high school, जब मैंने हाई स्कूल स्टार्ट किया था उससे ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि एक संडे. I was sitting at home at our dining room table doing homework. तो मैं अपने डाइनिंग रूम के टेबल पे बैठा होमवर्क कर रहा था. It was cold and windy fall day. बहुत ही ठंड पड़ रही थी और हवा चल रही थी. And we had a fire going in our fireplace. और हमारे घर की जो fireplace थी वहाँ पे आग जलाई हुई थी. As usual, my red tabby cat was laying on top of my all papers. तो मेरी एक छोटी बिल्ली थी जो वो मेरे पेपर पे बैठ के खेल रही थी. Purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment sake. वो बार बार मेरी पेन की तरफ
देख रही थी और उस पे झपट रही थी, अपना मनोरंजन कर रही थी।